हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है केला की उन्नत खेती, बनाना फार्मिंग। हमारे किसान भाई केले के बाग से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, और जब आप केला की दोस्तों खेती करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, उनका इलाज उपाय और ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए। क्योंकि किसान भाई केला की खेती कर तो लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी फ्रूटिंग सेट नहीं हो पाते हैं, उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए दोस्तों नहीं मिल पाती है। तो वे संपूर्ण जो समस्याएं आने वाली हैं उनका निराकार इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बतलाने वाले हैं, और ज़्यादा पैदावार भी देखने के लिए मिलेगी और फसल जब तक हरी भरी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतिक बढ़वार देखने के लिए मिलेगी, तभी तक एक हमको अच्छी पैदावार देखने के लिए मिल सकती है। तो एक एकड़ में कितनी लागत लगती है, लाभ, नेट प्रॉफिट, मुनाफा के साथ साथ लाइफ साइकिल और वेस्ट वैरायटी और बुआई के समय खाद, खेत की तैयारी के साथ साथ संपूर्ण जानकारी और एक एकड़ पर कितने पौधे लगाने चाहिए। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि केले की फसल पर कम स्प्रे करना पड़े तो इसके लिए आप कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे करने की बजाय कम खर्च पर ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सके, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि केले की फसल पर क्रॉप कवर को जरूर लगाना चाहिए। क्रॉप कवर लगाने से दोस्तों, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, क्रॉप कवर लगाने से क्वालिटी बढ़ती है और फलों में जो हरा मच्छर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, हरे मच्छर के प्रकोप के कारण, रस चूसक प्रकोप के कारण जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके प्रकोप के कारण क्वालिटी घट जाती है। तो क्रॉप कवर आपको ज़रूर लगानी चाहिए, पहली बात है। सेकेंडरी बात बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी हैं, जो कि सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैरायटी लगाई जाती है उसी का डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। G9 केले की जो वैरायटी है 80-85% से भी ज़्यादा किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं। टिशू कल्चर से तैयार किए गए पौधे या फिर जो बागवानी ट्रस्टेबल नर्सरी हैं वहाँ से आप पौधे को खरीद सकते हैं, पौधे को वाय कर सकते हैं। तो G9 केले की जो वैरायटी है दोस्तों काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है, और हमने इस वैरायटी को लगाया है, काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाला है। इस वैरायटी की जो दोस्तों खासियत है, जो फल का साइज है वो बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है, लंबाई भी अच्छी आती है और ग्रीननेस भी एक अलग प्रकार की देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी को आप सभी राज्यों पर लगा सकते हैं, और जो हम आपको सीजन बताएंगे टाइमिंग के ऊपर अगर बात करें तो बरसात के लिए जून से जुलाई और गर्मियों के लिए दोस्तों आप अक्टूबर से दिसंबर के मध्य खेती कर सकते हैं, इन वैरायटी को लगा सकते हैं, केले की खेती कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर की ऊपर बात करें तो केला आर्द्र और नम जलवायु की फसल है, और इसके लिए मिनिमम जो टेम्परेचर है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी बढ़िया माना जाता है। जब फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर फसल होती है दोस्तों, तो उस समय जो टेम्परेचर है 28 से लेकर 36 तक जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है काफ़ी अनुकूल और उचित माना जाता है। खेत की तैयारी के ऊपर बात करते हैं, केले की आप खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी, फार्म प्रिपरेशन किस प्रकार कराना चाहिए। नॉर्मल तरीके से, परंपरागत तरीके से एक से दो बार आपको ठीक तरीके से कल्टीवेटर, दकफेट, तूथल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराना चाहिए। उसके बाद दोस्तों भूमि की बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर आप केला की खेती कर सकते हैं, लेकिन काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट भूमि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। जिन भूमि पर जल धारण क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है उन पर पैदावार भी हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, बाकी प्रायः सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक दोस्तों चल जाती है। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए, यदि जंगली जानवर परेशान करते हैं तो तारबंदी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फसल पर जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे, जितने तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप केले की खेती करते हैं, पीली पत्तियों को हटाते हैं, नीचे जड़ों के पास जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखते हैं उतनी ही अच्छी हमको पैदावार भी देखने के लिए मिलेगी और अच्छा लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैरो है, इसके अलावा रोटावेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए।
बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। केले की फसल को यदि आप मल्चिंग और ड्रिप में खेती करते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, यदि आप मल्चिंग ड्रिप में खेती करते हैं, बेड विधि से खेती करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि रूट जोन जड़ों का विकास अच्छा होता है। और जब तक जड़ों का विकास अच्छा होगा दोस्तों, तो फिर हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ लेने वाला है। तो बेड विधि से खेती करें। बेड बनाने के लिए बेड मेकर या फिर बेड राइजर को आप लगा सकते हैं, तैयार करा सकते हैं। तो बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी दोस्तों आपको 6 फीट और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस, यह जो बेड का डिस्टेंस है, काफ़ी उचित और अनुकूल माना जाता है। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात करें तो 20 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं केले की फसल पर। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जब आप पौध रोपण करते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट पर कौन कौन सी खादों को देना चाहिए। तो प्रमुख रूप से चट्राली गोबरी खाद DAP आपको लेना है 50 किलो, SSP 150 किलो, MOP 25 और दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है तो रीजेंट ZR दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको 5 किलोग्राम से लेकर अधिकतम 10 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। जब आप पौध रोपण कर रहे हों, जो गड्ढे खोदे हैं वहाँ पर, इन सभी खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से पौधरोपण करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, कितनी दूरी पर आपको पौधरोपण करना चाहिए। तो लान से लान की दूरी दोस्तों आपको 6 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए। प्लांट टू प्लांट 5 फीट बहुत ज़्यादा उचित है और आपको लान से लान की दूरी 6 से अधिकतम 7 फीट रख सकते हैं। 6 फीट का डिस्टेंस काफ़ी उचित माना जाता है। इस हिसाब से खेती करते हैं तो 1450 पौधे आपको 1 एकड़ में दोस्तों लगने वाले हैं। प्लांटेशन के ऊपर बात करें, पौधरोपण के ऊपर बात करें, तो जहाँ पर आपको पौधरोपण बेड पर करना है, वहाँ पर 1x1 का गड्ढा खोद लेना है, 15 दिन की तेज़ धूप लगाना है और एक एक पौधे की सबसे पहले जो खाद हमने बतलाई है उनका प्रयोग करना, प्रति एकड़ की दर से सिंचाई करनी है और मिट्टी को फिलअप करके एक एक पौधे की पौधरोपण यदि आप करते हैं तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। पौधा ठीक तरीके से बढ़वार लेने वाला है। जैसे ही आप पौधरोपण कर देते हैं, सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंचाई पर ध्यान रखिएगा। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं इरिगेशन, तो केले की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ड्रिप से आप खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फ्लैट एरीगेशन से दोस्तों आपको 10 से अधिकतम 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। यह डिस्टेंस, यह जो अंतर है, जो गैप है, काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा यदि आपकी भूमि हल्की है तो फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है और भारी भूमि पर थोड़ा अंतर आप रख सकते हैं। भारी भूमि पर कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, खासकर काली मिट्टी, काली दोमट पर। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, वीट कंट्रोल, तो इस फसल पर साफ सफाई, हमने बताया कि साफ सफाई रखिए, जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही अच्छी पौधा बढ़वार लेगा। तो इसके लिए दोस्तों निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें, इसके लिए सबसे बढ़िया है कि निराई गुड़ाई प्रॉपर कराते रहें। और आप चाहें तो जो स्पेस है 6-7 फीट का जो स्पेस पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, धनिया, मेथी, पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बीन्स को ग्रो कर सकते हैं, लहसुन की खेती कर सकते हैं, अदरक की खेती कर सकते हैं, प्याज को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अन्य प्रकार की जो हरी सब्जी हैं उनको भी ग्रो करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चाहे कंद वर्ग की फसलें हों, चाहे आलू की फसल हो, उनको भी आप ग्रो कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग इन फसलों की कर सकते हैं। पौधे की कीमत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि आप G9 वैरायटी को लगा रहे हैं तो एक पौधे की कीमत 15 रुपये से लेकर 16 रुपये के मध्य कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, G9 वैरायटी की आपको एक पौधे की कीमत 15-16 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, केला की जो फसल है, इस पर स्प्रे करना, कीटनाशक कंट्रोल करना, इसके अलावा कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे के साथ साथ फंगस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी बीमारी आती हैं। देखिए, थोड़ा सा ऑफ सीजन है या फिर कीटों का प्रकोप बढ़ चुका है, तो आप
कीटनाशक का स्प्रे करना भी जरूरी है। स्टार्टिंग के दिनों पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, फेस ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, इमीडा क्लोरपिट बायोआर 303 कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, क्रॉप कवर को लगा सकते हैं, निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं कीट प्रबंधन, कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से डाउनी मिल्ड्यूड है, झुलसा है, आद्र गलन है दोस्तों, सुंडी, जड़ गलन के साथ साथ सिया टोका, काला मच्छर, रूट रॉड, कटर पिला, तना छेदक के साथ साथ एफिड जैसिड, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, माइट्स, दीमक और वाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। फर्स्ट जो स्प्रे है दोस्तों 40 से 60 दिन की मध्य फसल होती है, तो इन दोनों एक कीटनाशक फंगीसाइड को 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर। सेकंड स्प्रे 100 से 120 दिन की फसल होती है, थर्ड स्प्रे 150 से 170 दिन और वहीं फोर्थ स्प्रे 200 से 220 दिन की फसल होती है। इन कीटनाशक फंगीसाइड को मिक्स करके 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। जो पत्ते होते हैं ज़्यादा सरफेस नेस होती है तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए और स्टार्टिंग के दिनों पर आप नीम ऑयल स्प्रे करके भी कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे करने चाहिए। केले की फसल पर दोस्तों एक समस्या आती है कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग उतनी अच्छे तरीके से देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जो घोर होती है उस पर उतने अच्छे केले नहीं लग पाते हैं। तो 15 दिन पहले फ्रूटिंग स्टेज से आपको एक काम करना है कि एनपीके 13045 100 ग्राम लेना है और सजेंटा कंपनी की क्वांटिस 15 लीटर पानी में 40 ग्राम लेना है। बोरॉन दोस्तों आपको लेना है 30 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से फ्रूटिंग का जो वजन है वो बढ़ने वाला है, क्वालिटी चमक भी बढ़ जाएगी। इस फॉर्मुलेशन को आप जरूर अपनाइए 15 लीटर की दर से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट खाद है 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, तो सागरिका, यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि आप क्वांटिटी देख रहे हैं प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 80 से 90 दिन की होती है, थर्ड खाद 130 से 150 दिन के मध्य फसल होती है, वहीं फोर्थ खाद 170 से 180 दिन के मध्य फसल होती है। तो इन खादों को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए, जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों फिफ्थ जो खाद है 220 से 240 और छठवीं खाद 260 से 280 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन खादों को DAP और SSP को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। खाद देने का जो दोस्तों तरीका है, यदि आपको खाद देनी है साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पहले निराई गुड़ाई करें और 2 दिन की तेज़ धूप लगाएं, फिर खादों को जड़ों के पास देकर मिट्टी को ऊपर से फिर से आपको फिलअप कर देना है और आपको सिंचाई करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। केले की कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि 10 महीने में तैयार हो जाती हैं, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 12 महीने का समय भी लग जाता है। तो लाइफ साइकिल, केले की जो लाइफ साइकिल दोस्तों, जब आप एक बार पौधरोपण करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो 10 से 12 महीने के आसपास का समय लग जाता है। जो लाइफ साइकिल है दोस्तों 10 से 12 महीने आप मान लीजिए। बाजार भाव के ऊपर बात करते हैं, मार्केटिंग रेट, तो हमारे किसान भाइयों को थोक रेट की हम बात कर रहे हैं, 10 रुपये से लेकर 15 रुपये KG का रेट देखने के लिए मिल जाता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, एक पौधे से 30 KG प्रति पौधा हमको हार्वेस्टिंग मिलती है केले की, और हमने 1400 बताए थे, 1200 पौधे ही मान लेते हैं, यानी 1200 में 30 का इंटू कर देंगे तो 36000 KG यानी 360 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार हुई। दोस्तों लागत के ऊपर बात करते हैं, तो एक एकड़ पर केला की खेती कर रहे हैं तो 50 से 60000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है एक एकड़ पर। सभी लागत को जोड़कर दोस्तों ये मान लीजिए एक एकड़ पर 50 से 60000 कम से कम आपको लागत लगने वाली है, इससे ज़्यादा ही लग जाएगी। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप एक एकड़ पर केले की खेती करते हैं 10 रुपये KG का ही रेट मिल जाता है, यानी 1000 रुपये क्विंटल, और जो हमने आपको पैदावार बताई है 360 क्विंटल, 1000 में 360 का इंटू कर देंगे तो 360000 हमारा मुनाफा आ गया। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, लागत लगी 60000, मुनाफा हुआ 360000, जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों हमारा शुद्ध आमदनी, शुद्ध लाभ है 3 लाख रुपये आ गया। अब थोड़ा पैदावार भी दोस्तों घट जाती है और कीमतें कम ही मिलती हैं, कीमत हमने आपको अच्छी बताई है, इससे ज़्यादा ही कीमत मिलने वाली है, तो आप एक एकड़ से ही मान लीजिए
280,000, 290,000 और अधिकतम 300,000 प्लस ही आप कमाई कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कीमतें डिपेंड करती हैं, बाजार भाव अच्छे मिलने पर आपको आमदनी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई, हमारे किसान दोस्त केले की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आप केले की फसल से निकाल सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल सुझाव लिख के जरूर भेज सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के शिकार जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।